तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई, और आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं चैम क्लॉथ। तो चैम क्लॉथ क्या होता है? जैसे आपने कोई गाड़ी वॉश कर ली, तो गाड़ी को हम सुखाने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। 350 GSM, 800 GSM, 1000 GSM, तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी को सुखाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइक्रोफाइबर क्लॉथ गीला हो जाता है, और एक गाड़ी में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ पूरा नहीं पड़ता, गीला हो ही जाता है। तो आपने अपने माइक्रोफाइबर को बचाने के लिए आपने क्या करना है, चैम क्लॉथ का इस्तेमाल करना है। तो एक कई प्रकार के चैम क्लॉथ आते हैं, तो जो सबसे बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर एक, जो ये वाला चैम क्लॉथ है, पीले रंग की पैकिंग में आता है, और एक काफी अच्छा होता है, ये काफी लंबा चौड़ा बड़ा सा होता है। तो ये जो क्वालिटी है बेस्ट है, अच्छी है। और तो दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, ये भी बड़ा वाला है, लेकिन ये जैसे कि किचन में लोग बार इस्तेमाल करते हैं गैस चूल्हा पोंछने के लिए, उस पर्पज का फिर भी सही है। ये वाला कपड़ा बेकार कपड़ा है, ये पानी को अच्छी तरह से नहीं सुखाता, निशान दे देता है। और एक इसी में आता है छोटा वाला, ये भी बहुत बेकार है और यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। तो आपने यही वाला चैम क्लॉथ का इस्तेमाल करना है गाड़ी को सुखाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने गाड़ी वॉश कर ली, गाड़ी वॉश करने के बाद आपने गाड़ी की पूरी बॉडी पर, चाहे शीशे हो, छत हो, दरवाजे हो, हर जगह आपने इसी चैम क्लॉथ का इस्तेमाल करना है। इसको पूरी गाड़ी में मारने के बाद आपने फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, नॉर्मल कोई सा भी 350 GSM का भी चलेगा, कोई सा भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप गाड़ी को पोंछ सकते हो, और गाड़ी एक ही बार में आपका ये टाइम बचाता है, जैसे आप वाइपर करते हो वगैरह करते हो। और इसके लिए डिपेंड, जैसे आपका जो वॉशिंग सेंटर है इंडोर में, तब तो आपके लिए बहुत जरूरी है। आउटडोर वालों की गाड़ी तो धूप में भी सूख जाती है, लेकिन वाटर स्पॉट बन जाते हैं, पानी के दाग बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि चैम क्लॉथ से पहले गाड़ी को पोंछ लिया, फिर माइक्रोफाइबर से पोंछ लिया, फिर धूप में सूखने दिया, तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है। तो थैंक यू गाइस। तो जिस तरह अभी हमने ये गाड़ी वॉश की है, तो चैम क्लॉथ से हम देखो पूरी गाड़ी आसानी से सुखा देंगे। उसके बाद एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हम इसको पोंछ देते हैं, तो हमें वाइपर करना नहीं पड़ता है, जैसे आप शीशों में वाइपर करते हो, तो वाइपर से सही तरह से पानी सूख नहीं पाता है। और ये देखिए, आराम से चैम क्लॉथ से हम पूरी गाड़ी को सुखा देंगे। उसके बाद नॉर्मल हम एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से गाड़ी को पोंछ देंगे, गाड़ी नीट एंड क्लीन और चमक जाएगी बिल्कुल। तो जो हम लोग 400 GSM, 800 GSM, 1000 GSM के जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी को सुखाने के लिए, और वो माइक्रोफाइबर हमारे गीले हो जाते हैं, तो चैम क्लॉथ की मदद से हमारे जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं जिससे हम गाड़ी सुखाते हैं, वो गीले नहीं होते, वो हमारे कपड़े सेफ हो जाते हैं। चैम क्लॉथ के बाद हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ से गाड़ी सुखाते हैं, तो इसको हमें बार बार ऐसे निचोड़ना पड़ता है। देखो कितना पानी इसने निचोड़ दिया है, और उसको निचोड़ निचोड़ के बस थोड़ा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से स्लो काम करता है, लेकिन पानी को बहुत अच्छी तरह सुखाता है ये। तो मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी कार वॉशिंग सेंटर वाले हैं, तो चैम क्लॉथ उन्होंने जरूर रखना चाहिए, ये हर मौसम में काम आता है, खास तौर पे सर्दियों पर जब धूप की थोड़ी कमी होती है, तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीला नहीं होने देता ये। अब जैसे हमने ये चैम क्लॉथ कर लिया, उसके बाद हम नॉर्मली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से गाड़ी को पोंछ देंगे, और गाड़ी पूरी तरह से नीट एंड क्लीन और साफ हो जाएगी। तो थैंक यू। अभी हमने चैम क्लॉथ के बाद नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से शीशे पोंछे और गाड़ी की बॉडी पोंछी है, तो आप देखिए बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। तो माइक्रोफाइबर बिल्कुल भी गीला नहीं होता है, हल्का सा गीला होगा, तो चैम क्लॉथ का इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। तो मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर हमने पूरी गाड़ी चैम क्लॉथ से सुखा ली है, तो आप देख सकते हैं मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर। तो चैम क्लॉथ हमारा टाइम बचाता है गाड़ी को सुखाने के लिए, और ग्राहक भी हमारा काफी खुश होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपका वॉशिंग सेंटर ऐसे टीन हट के अंदर है इंडोर में, या फिर आपका आउटडोर में है, तो मेरा इंडोर आउटडोर दोनों है, तो आप शीशे देखिए, एकदम बिल्कुल शीशे बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और ये देखिए, अगर आपका इंडोर में है तब भी
और आउटडोर में है तब भी आप एक बार चैम क्लॉथ का इस्तेमाल जरूर करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका।